Hello everyone, in today's video we are going to discuss about norma frontalis. Norma frontalis is an anterior view of the skull. पिछली बार वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम स्कल को आगे से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, एंटीरियरली देखेंगे, तो वो जो दिखता है हमको व्यू, उसको बोलेंगे हम नॉर्मा फ्रंटालिस। ये ताकि हमको स्कल पढ़ने में थोड़ा इजी हो, इसलिए इसको अलग अलग व्यूज़ में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि जितना भी नॉर्मा फ्रंटालिस में जो बोन्स आती हैं, उनके मेन फीचर्स या उनका क्या क्या पार्ट है नॉर्मा फ्रंटालिस को बनाने में, वो सब आज हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्मा फ्रंटालिस में कौन कौन सी बोन्स होती हैं। ओके, तो फर्स्ट बोन इज फ्रंटल बोन। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर की बोन आई एम ड्रॉइंग, विच इज फ्रंटल बोन। ओके, तो अभी फ्रंटल बोन के क्या क्या फीचर्स हैं, अभी हम सुपरफिशियली देखेंगे, फिर थोड़ा डीप में जाएंगे। तो फ्रंटल बोन का एक पार्ट है स्क्वैमस पार्ट। स्क्वैमस पार्ट हम कैसे वो करेंगे, स्क्वैमस पार्ट हम बोल सकते हैं कि दिस इज द बॉडी ऑफ फ्रंटल बोन। ओके, दिस पार्ट इज स्क्वैमस पार्ट। एंड नंबर सेकेंड इज नेजल पार्ट, विच इज मतलब जो कि नेजल बोन के पास में है, वो है नेजल पार्ट। एंड द टू ऑर्बिटल प्लेट्स आर ऑल्सो देयर। ऑर्बिटल प्लेट्स क्या हुई, जैसे कि मेरा जो हाथ है वो जो मैं अंदर ले जा रही हूँ, तो अगर ऐसे कोई भी चीज़ अंदर जाएगी बोन, तो वो उस बोन से जो पार्ट बनेगा वो बनेगी ऑर्बिटल प्लेट। एंड द नंबर फोर इज इसमें दो प्रोसेसेस होती हैं जिनको हम जाइगोमेटिक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जाइगोमेटिक बोन रहती है और इससे आर्टिकुलेट करने के लिए फ्रंटल बोन से दो प्रोसेस निकली होती है जिनको हम जाइगोमेटिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट बोन पे चलते हैं। फ्रंटल बोन का हमने सुपरफिशियल फीचर्स देख लिए हैं, अब हम डीप में आगे और देखेंगे। तो सेकेंड बोन इज जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन्स पेयर्ड बोन्स रहती हैं जो दोनों साइड प्रेजेंट रहती हैं। सबको पता है कि जाइगोमेटिक बोन्स को हम चीक बोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे चीक का जो उभरा हुआ जो वो अपीयरेंस है वो इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, तो अब जाइगोमेटिक बोन के क्या क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। पेयर्ड हो गया, पेयर्ड होती हैं। ओके, एंड द इसमें बॉडी होती है इसकी एक, और बॉडी में तीन सरफेसेस होती हैं। नंबर वन इज़ ऑर्बिटल सरफेस जो ऑर्बिट के पास में होती है, एंड द लेटरल सरफेस विच इज़ प्रेजेंट लेटरली टू द स्कल, एंड टेम्पोरल विच इज़ एक्चुअली पोस्टीरियरली, क्योंकि टेम्पोरल बोन हमको इसमें दिख नहीं रही है। तो ऑब्वियसली ये 3D बोन है, 2D तो है नहीं, सिर्फ इतना ही, तो जो पीछे तक भी गई है, तो वो जो टेम्पोरल बोन से इसका जो कनेक्शन है उस पार्ट को हम बोलते हैं टेम्पोरल सरफेस। ओके, तो दो प्रोसेसेस भी होती हैं इसमें, एक फ्रंटल प्रोसेस होती है, जैसे कि जाइगोमेटिक प्रोसेस थी फ्रंटल बोन में, वैसे ही ये फ्रंटल प्रोसेस होती है जाइगोमेटिक बोन में। एंड द टेम्पोरल प्रोसेस जो कि टेम्पोरल बोन के साथ में, जब हम टेम्पोरल बोन पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम इसको डिटेल में समझ पाएंगे। ओके, तो इसका हो गया हमारा तीन सर्फेसेस, ऑर्बिटल, लेटरल, टेम्पोरल, एंड प्रोसेसेस फ्रंटल एंड टेम्पोरल। तो इसका जो फ्रंटल बोन रहता है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन आर्टिकुलेट विद दी जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन टू फॉर्म दी लेटरल रिम ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट जो हमारी है, ये जो अभी आपको दिख रही है आई ऑर्बिट, इसकी एक रिम बनी हुई है। तो इस रिम के भी चार पार्ट हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल एंड मीडियल। तो ये चारों साइड से बोन्स ने कवर करके बनाया, एक ही बोन से नहीं बनाया। तो हमको यहाँ पे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या कौन कौन सी बोन ने इसको बनाया है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं मैक्सिला। मैक्सिला इज ऑल्सो पेयर्ड बोन, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मैक्सिला बेसिकली, व्हाट इज मैक्सिला, मैक्सिला फॉर्म दी मोस्ट पार्ट ऑफ द फेस। ठीक है, ये पेयर्ड बोन होती है, एंड इसमें क्या रहता है, ये लोअर अपर जो फॉर्म कर रही है, इसमें एक बॉडी होती है और इसमें चार प्रोसेसेस होती हैं। एक प्रोसेस होती है नेजल प्रोसेस, जो नेजल बोन के साइड साइड में गई हुई है वो नेजल प्रोसेस है। एंड एक होती है ऑर्बिटल प्रोसेस, जो ऑर्बिट्स के नीचे है वो है ऑर्बिटल प्रोसेस। एंड एक इंफ्रा टेम्पोरल, इसके पीछे टेम्पोरल बोन रहती है, तो उस टेम्पोरल बोन के नीचे इसका कुछ पार्ट रहता है, उसको हम बोलते हैं इंफ्रा टेम्पोरल। एंड द लास्ट इज एंटीरियर सर्फिस, जो एंटीरियरली जो मेन जो बॉडी टाइप का है आगे से जो हमको दिख रहा है अच्छे से, वो है एंटीरियर। ठीक है, अभी हम देखेंगे मैंडिबल। मैंडिबल इज अ लोअर बोन ऑफ दी, मतलब सबका जो हमारा जो स्कल है उसमें सबसे नीचे यही वाली बोन होती है। तो मैंडिबल काफ़ी इजी है मैंडिबल को समझना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक सिंपल एक बॉडी होती है एंड दो रैमस होते हैं। ओके, तो हमको दिख रहा है ये नीचे जो लोअर जॉ वाला जो रीजन है वो तो इसकी बॉडी है, एंड जो इसमें जो दो गए हुए हैं मैक्सिला की तरफ, दो पार्ट जो निकले हुए हैं वो होते हैं हमारे रैमस। ओके,
एंड मैंडिबल इज ऑल्सो हॉर्स शू शेप्ड बोन। अगर हम हमारी पेन को यहाँ से ले जाएंगे एक रेमस से दूसरे रेमस की तरफ, तो एक हॉर्स शू शेप टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसमें मैंने बताई दिया एक बॉडी होती है और दो रेमाए होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट बोन क्या है हमारी यहाँ पर, नेक्स्ट बोन आ जाएगी नेज़ल बोन। ये भी पेयर्ड बोन्स रहती हैं और जो कि मतलब मिड लाइन में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं। इसमें ऐसा लगता है जैसे एक ही बोन है लेकिन ये दो बोन होती हैं। ओके, तो अभी हमारी बोन्स का हमने मेन फीचर्स देख लिया है, फ्रंटल बोन, साइगोमेटिक बोन, मैंडिबल, मैक्सिली और नेज़ल बोन्स। ओके, तो अभी हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि ये फ्रंटल नॉर्मा फ्रंटालिस में क्या क्या इनका वो रोल है वो। ओके, फिर हम इसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रंटल बोन का स्क्वैमस पार्ट, नेजल पार्ट, दो ऑर्बिटल प्लेट्स एंड दो जाइगोमेटिक प्रोसेसेस हो गए। अभी जाइगोमेटिक बोन में बॉडी होती है, ऑर्बिटल पार्ट, लेटरल सरफेस सॉरी टेम्पोरल सरफेस, ये तीन सरफेसेस हो गई एंड प्रोसेसेस होती हैं दो, एक फ्रंटल एंड एक टेम्पोरल। मैंडिबल बोन हॉर्स शू शेप बोन रहती है, बॉडी और दो रेमाए होते हैं इसमें एंड दी मैक्सिला इज पेयर्ड बोन जिसमें बॉडी होती है और चार प्रोसेसेस होते हैं, नेजल, ऑर्बिटल, इंफ्रा टेम्पोरल एंड एंटीरियर सरफेस। नेजल बोन इज ऑल्सो पेयर्ड बोन, आर्टिकुलेट मीडियली विथ ईच अदर। ओके, तो अभी हम क्या देखेंगे, फ्रंटल बोन को अलग से देख लेंगे। तो ये जो राइट पार्ट मैंने बनाया है ये जाइगोमेटिक बोन का पार्ट है। तो दिस इज अ रिम, ऑर्बिटल रिम, इसका ऊपर वाला पार्ट फ्रंटल बोन फॉर्म कर रही है। तो सुपीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल रिम इज फॉर्म बाई द फ्रंटल बोन। ओके, तो ये जो ऑरेंज वाला जितना भी पार्ट है वो फ्रंटल बोन का है एंड द मीडियल रिम ऑफ द ऑर्बिट इज ऑल्सो फॉर्म बाई द फ्रंटल बोन। तो बेसिकली ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है वो फ्रंटल बोन फॉर्म करती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सुपरसीलियरी आर्चेस। सुपरसीलियरी आर्चेस आर दी मतलब ये जो हमारा आईब्रो वाला पार्ट रहता है उभरा हुआ वो रहता है सुपरसीलियरी आर्चेस, जो मेन में ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं कंपेयर टू वुमेन। एंड दी ग्लैबिला, ग्लैबुला इज अ स्मॉल डिप्रेशन प्रेजेंट बिटवीन टू सुपरसीलियरी आर्चेस। सुपरसीलियरी आर्चेस हैं, अब दो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं उनके बीच में अगर कोई गैप होगा तो ऑब्वियसली वहाँ डिप्रेशन बनेगा। तो वो जो डिप्रेशन प्रेजेंट होता है बिटवीन सुपरसीलियरी आर्चेस इज कॉल्ड ग्लैबुला। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द नॉर्मा फ्रंटालिस। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें एक सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन भी होता है। तो सुप्रा ऑर्बिटल नाम से क्लियर हो रहा है कि ऑर्बिट के सुपीरियरली जो प्रेजेंट है, इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या हो जाएगी, मीडियल पार्ट ऑफ द सुपीरियर रिम। तो मीडियल पार्ट ऑफ सुपीरियर रिम में एक फोरामेन होगा जिसका नाम होगा सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। ये फ्रंटल बोन का पार्ट है। एंड वॉट आर द कंटेंट्स ऑफ द सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। सुप्रा ऑर्बिटल है तो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व्स और वेसल्स इसके थ्रू पास होंगी। ओके, एंड द लेटरल रिम, सॉरी हम भूल गए, तो जो लेटरल रिम है वो भी फ्रंटल बोन से फॉर्म हो रही है। फिगर में हमको दिख ही रहा है कि जो ऊपर वाला सर्कुलर जो पूरा पार्ट है वो फ्रंटल बोन फॉर्म कर रही है। हम इसको एज अ सर्कुलर रिम लेके बात करेंगे तो हमको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। तो लेटरल रिम ऑफ ऑर्बिट है वो कौन फॉर्म कर रहा है, जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन, जो कि जाइगोमेटिक बोन के साथ आर्टिकुलेट हो रही है। ये रेड पार्ट हमको दिख रहा है, क्लियर। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे साइगोमेटिक और नेजल बोन्स। साइगोमेटिक बोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द चीक बोन्स बिकॉज दे फॉर्म द प्रोमिनेंट अपीयरेंस ऑफ अवर चीक। तो यहाँ पे मैं ऑर्बिट्स बना देती हूँ जिससे हमको रिम वाला रिलेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जो लोअर लेटरल पार्ट जो रिम का है वो कौन फॉर्म करता है, जाइगोमेटिक बोन। यहाँ पे हमको फ्रंटल बोन में भी ये चीज़ क्लियर हो गई थी, फ्रंटल बोन वाले पार्ट पर यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगी। तो अपर जो पार्ट है लेटरल वो रिम का कौन फॉर्म कर रहा है, फ्रंटल बोन, और लोअर जो पार्ट है वो कौन फॉर्म कर रहा है, जाइगोमेटिक बोन। ओके, एंड दी इन्फीरियर लेटरल पार्ट, लेटरल पार्ट ऑफ इन्फीरियर रिम इज ऑल्सो फॉर्म बाई द जाइगोमेटिक बोन। तो ये जो साइड वाला लेटरल वाला जो पार्ट है वो जाइगोमेटिक बोन फॉर्म कर देगी क्योंकि लेटरली प्रेजेंट होती है। ओके, तो नेक्स्ट वन क्या, अब हम देखेंगे नेजन क्या होता है। नेजन इज अ सेंटर ऑफ द फ्रंटोनेजल सूचर। फ्रंटोनेजल सूचर इज ए सूचर विच इज फॉर्म बिटवीन द फ्रंटल बोन एंड नेजल बोन्स। तो जो फ्रंटोनेजल सूचर बन रहा है उसका जो मिड पॉइंट है जो थोड़ा सा ऊपर है वो कॉनिकल टाइप का, तो इसको हम बोलते हैं नेजल। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सुप्रा नॉर्मा फ्रंटालिस।
नाउ अभी हम देख लेंगे कि इन दोनों बोन्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है नेज़ल बोन्स की। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नेज़ल बोन्स का आर्टिकुलेशन किस किस के साथ कैसे कैसे है। तो आर्टिकुलेशन सुपीरियरली दे आर्टिकुलेट विद द फ्रंटल बोन एंड लेटरल मिड लाइन दे आर्टिकुलेट विद देमसेल्व्स। मीडियली वो एक दूसरे के साथ ही आर्टिकुलेट करती हैं एंड लेटरली एंड इन्फीरियरली दे आर्टिकुलेट विद द मैक्सिली, यानी कि फ्रंटल प्रोसेस ऑफ ईच मैक्सिला बोन। तो मैक्सिला बोन का प्रोसेस हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो फ्रंटल पार्ट जो था फ्रंटल प्रोसेस उसके साथ ही आर्टिकुलेट कर रही हैं। ओके अभी क्या हो जाएगा, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है पायरीफॉर्म अपर्चर। पायरीफॉर्म अपर्चर क्या होता है, जो लार्ज ओपनिंग है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में जो बड़ी सी ओपनिंग प्रेजेंट रहती है उसको हम बोलते हैं पायरीफॉर्म अपर्चर। अभी ये एक अपर्चर है, अभी इसका हम देख लेंगे कि इसका रिलेशन क्या क्या है, मतलब इसको कौन कौन सी बोन्स ने कहाँ कहाँ से सराउंड किया हुआ है। तो सुपीरियरली इट इज़ सराउंडेड बाई विच बोन, हमको फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि सुपीरियरली इसका रिलेशन है नेजल बोन्स से, दोनों जो नेजल बोन्स हैं। एंड लेटरली एंड इन्फीरियरली इसका जो रिलेशन है वो मैक्सिला से है, ये जो पूरा पार्ट है जो मैक्सिला से कवर है, जो पिछले वाले हमने पूरा स्कल वाला जो फिगर देखा था उसमें क्लियर हो रहा था। ओके अभी अगर ये जो अपर्चर है ये खोखला है, मतलब ये सर कोई बोन टाइप का नहीं है, तो इसमें ऑब्वियसली अगर हम किसी खोखली चीज़ में देखेंगे तो अंदर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स दिखते हैं वो है नंबर वन फ्यूज्ड नेजल बोन्स, नेजल बोन्स नीचे के फ्यूज्ड हो जाती हैं फिर नेजल स्पाइन बनाती हैं। ओके एंड द इन्फीरियर नेजल कॉर्न की, ये डायग्राम में देखिए जो लेटरल साइड में जो है ये होती है नेजल कॉर्न की। ओके एंड नाउ वील टॉक अबाउट मैक्सिला। मैक्सिला आर द पार्ट ऑफ फेस प्रेजेंट बिटवीन दी ऑर्बिट एंड दी अपर जॉ, अपर जॉ और ऑर्बिट के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट रहता है फेस का वो मैक्सिला फॉर्म करती हैं। ओके तो काफ़ी पार्ट है, मतलब काफ़ी सारा पार्ट कवर कर रही है मैक्सिला। ये पेयर्ड बोन्स रहती हैं एंड इसमें क्या रहता है कि इसमें मीडियल साइड में और इन्फीरियर साइड की जो रिम रहती है, मीडियल और इन्फीरियर साइड ऑफ रिम जो रहती है वो मैक्सिला फॉर्म करती है। तो अभी हमारा क्लियर हो गया, ऊपर वाला फ्रंटल साइड वाला जाइगोमेटिक और नीचे वाला ये कर देती है मैक्सिला। अब हम इसका आर्टिकुलेशन देखेंगे तो लेटरली क्या होता है इनका आर्टिकुलेशन, जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला आर्टिकुलेट विद द जाइगोमेटिक बोन एंड द मीडियली द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला आर्टिकुलेट विद द फ्रंटल बोन, उसी नाम की बोन के साथ आर्टिकुलेट करेगी। नाउ द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, तो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन हमने देखा वो ऑर्बिट के सुपीरियरली प्रेजेंट था, तो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन जो होगा वो ऑर्बिट के इन्फीरियरली प्रेजेंट होगा। तो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन की पोजीशन क्या होगी, प्रेजेंट बिलो द इन्फीरियर रिम ऑफ द ऑर्बिट। तो ये जो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है वो किसका पार्ट है, मैक्सिला का, एंड सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन जो था वो किसका पार्ट था, हमारा फ्रंटल बोन का। ओके एंड नाउ एल्वुलर पार्ट प्रोसेसेस, मैक्सिला के जो इन्फीरियर एंड जो रहता है जहाँ पे मैक्सिला नीचे के ख़त्म हो रही है वहाँ पे एल्वुलर प्रोसेसेस रहती हैं जो कि अपर जो फॉर्म करती हैं, और इसमें हमारे जो टीथ रहते हैं वो धसे हुए रहते हैं। ओके अभी ये हो गया हमारा इन्फीरियर एंड ऑफ मैक्सिला जो रहता है उसमें हमारा उसमें एल्वुलर प्रोसेसेस रहती हैं जो क्या करती हैं टीथ जिसमें धसे हुए रहते हैं। नाउ हेडिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ मैंडिबल। मैंडिबल काफ़ी इजी बोन है, मेरी फेवरेट है। तो मैंडिबल में क्या रहेगा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द स्कल है ये एंड इसकी बॉडी होती है इसमें रेमस होते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो मैंडिबल इज़ द मोस्ट इन्फीरियर स्ट्रक्चर इन द एंटीरियर व्यू ऑफ स्कल। ओके एंड नाउ इट्स बॉडी, बॉडी जो रहती है इस मैंडिबल की वो एंटीरियरली प्रेजेंट रहती है, जैसे कि ये देखो थोड़ा आगे की तरफ, एंड द रेमा जो रहेंगे वो थोड़ा पोस्टीरियरली रहेंगे इस टाइप से। ओके एंड दिस इज बॉडी। तो अभी इसकी जो बॉडी रहती है उसके भी दो पार्ट्स रहते हैं, अप लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। जो लोअर पार्ट रहता है वो क्या कहलाता है, बेस। ऑब्वियसली लोअर जो भी रहता है वो बेस होता है, एंड अपर पार्ट जो है वो एल्वुलर प्रोसेसेस होती हैं इसमें लाइक मैक्सिला। तो ये लोअर जो फॉर्म करेगा, मैक्सिला अपर जो फॉर्म करती है। नाउ व्हाट इज मेंटल प्रोटरबेंस। प्रोटरबेंस ऑब्वियसली नाम आती है हमारे दिमाग में आ जाता है कुछ उभरा हुआ स्वेली से पार्ट। तो मिड लाइन स्वेलिंग इन दी बेस ऑफ मैंडिबल इज कॉल्ड दी मेंटल प्रोटरबेंस। ये जो मैं बना रही हूँ ट्रेंगुलर टाइप का, ये मेंटल प्रोटरबेंस है। एंड इसके दोनों साइड जो आर्क जो बने हुए हैं वो है मेंटल ट्यूबरकल्स। तो लेटरल टू दी मेंटल प्रोटरबेंस देर आर टू ट्यूबरकल्स प्रेजेंट विच आर कॉल्ड दी मेंटल ट्यूबरकल। ओके क्लियर ना, कि बीच में मेंटल प्रोटरबेंस है, उसके दोनों साइड है मेंटल ट्यूबरकल।
अभी नेक्स्ट में आएंगे हम, तो नेक्स्ट क्या है, मेंटल फोरामेन। तो मेंटल फोरामेन ये हमको तीसरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अलावा, वो है मेंटल फोरामेन। तो मेंटल फोरामेन क्या है, जो मेंटल ट्यूबरकल्स रहते हैं इनके लेटरली प्रेजेंट रहते हैं दोनों साइड में। मेंटल ट्यूबरबेंस एक ही है, प्रोटरबेंस सॉरी, एंड मेंटल ट्यूबरकल्स दो हैं दोनों साइड, और मेंटल फोरामेन भी दो हैं। तो मेंटल फोरामेन का एक फीचर है कि जब हम लोअर बॉर्डर ऑफ बेस से और अपर बॉर्डर ऑफ एल्वोलर पार्ट से एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल बीच में ये हमारा मेंटल फोरामेन आ गया, यानी कि बिल्कुल मिडिल में है। और इसके कंटेंट्स क्या है, मेंटल नर्व एंड वेसल्स। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैंडिबल इज ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन क्या होता है, जब हम हमारे मेंटल फोरामेन से रेमाई से लेके मेंटल फोरामेन तक लाइन ड्रॉ करें अगर, तो क्या होगा, जो लाइन बनेगी वो ऑब्लिक लाइन हो जाएगी। तो व्हाट इज़ ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक लाइन कंटिन्यूइंग पास्ट मेंटल फोरामेन पासिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द रेमस ऑन टू द बॉडी। रेमस से बॉडी की तरफ जो लाइन्स आ रही हैं मेंटल फोरामेन की तरफ, तो ये इसीलिए ये थोड़ा ऑब्लिक है। और इसकी क्या, इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ऑब्लिक लाइन का, कि इसमें क्या होता है, ये जो लोअर लिप की डिप्रेसर मसल्स रहती है उनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ऑब्लिक लाइन। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने सारी बोन्स ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। अभी हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं नॉर्मो फ्रंटालिस के। तो क्या क्या फीचर्स हैं हमारे नॉर्मो फ्रंटालिस में, नंबर फर्स्ट इज फ्रंटल ट्यूबरकल। फ्रंटल ट्यूबरकल क्या रहता है, फ्रंटल ट्यूबरोसिटी जो फ्रंटल बोन पे दोनों साइड छोटी छोटी ट्यूबरोसिटी होती है, जैसे कि हम फोरहेड को टच करके देखेंगे तो साइड साइड में उभरा हुआ पार्ट दिखेगा, आप देखिए, तो वो होती है फ्रंटल ट्यूबरोसिटी। एंड दी ग्लैबुला, सुपरसीलियरी आर्च, नेजन एंड सुप्रा ऑर्बिटल नोच। सुप्रा ऑर्बिटल नोच इज सेम एज सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन दोनों।